हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज में हम अकाउंट्स का लेक्चर देख रहे थे और आज अकाउंट्स का हमारा 35 लेक्चर है, जिसमें हम 12th क्लास का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसका हम लास्ट पार्ट कवर करेंगे और ये हमारा आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हम अगला जो चैप्टर है चैप्टर 2 उसको हम एक ही लेक्चर में आपको कवर करा देंगे। इसी तरह थर्ड चैप्टर भी हम आपको एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करा देंगे। तो कल हमारे आपको दो लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपने लास्ट टॉपिक से। इस लेक्चर में हमें लेखांकन व्यवहार और अंशों का हरण, अंशों की जब्ती, फोर फीचर्स ऑफ शेयर्स और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने पिछले लेक्चर में देखा था और उसके आगे के टॉपिक अब हम इसके आगे से कवर करेंगे। तो जिसमें पहला टॉपिक था हमारा बकाया मांग कॉल इन एरियर्स। इसमें यह पाया जाता है कि मांगी गई पूंजी का भाग अंशधारियों द्वारा देय तिथि तक अगर नहीं चुकाया जाता, तो जब कोई अंशधारी मांगी गई आवंटन की राशि या मांग राशि का भाग देय तिथि तक नहीं चुका पाता तो इस राशि को यद्यपि बकाया मांग कहते हैं, कॉल इन एरियर्स कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है शेयर्स का, जैसे 100 रुपये के मूल्य का शेयर का अगर ओवर सब्सक्रिप्शन 120 रुपये में बेचा जाता है और इस बचे हुए 20 रुपये को अगर कंपनी किसी फिक्स डेट तक डिमांड करती है और इस फिक्स डेट तक अगर शेयर होल्डर इसकी कीमत को नहीं चुका पाते हैं तो इसे बकाया मांग या कॉल इन एरियर्स कहते हैं। तो मांग राशि सभी मांग खातों के नाम शेष दर्शाती है और इस राशि को खातों की टिप्पणी में प्रदर्शित किया जाएगा और इसको चुकता पूंजी में से घटाकर तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में यानी कि लायबिलिटी साइड में दर्शाया जाता है, जहां एक कंपनी बकाया मांग खाता तैयार करती है। कंपनी की सीमा अंतर्नियम, सामान्यतः कंपनी के संचालकों को बकाया मांग राशि पर ब्याज की राशि के निर्दिष्ट दर से परिवर्तन करने का अधिकार है। इस प्रकार की स्थिति में यदि अंतर नियम इसका खुलासा नहीं करते हैं तो ब्याज की दर 10% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड में किसी भी तरह का खुलासा नहीं किया गया है, इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है ब्याज की दर को, तो फिर ऐसी कंडीशन में ऑटोमेटिकली ही डिफॉल्ट 10% रेट तय कर दी जाएगी डिफॉल्ट रूप में और भुगतान किए जाने वाले ब्याज की गणना निर्धारित तिथि तथा अंशधारी द्वारा वास्तविक भुगतान की तिथि के मध्य की समय अवधि के लिए ली जाएगी। यानी कि जिस तिथि को भुगतान किया गया है उस तिथि से लेकर इसको काउंट किया जाएगा। फिर मांग राशि के ब्याज सहित प्राप्ति पर ब्याज की राशि को ब्याज खाते में जबकि मांग राशि को क्रमशः मांग खाते में तथा बकाया मांग खाते में जमा किया जाएगा। फिर इसमें अगला टॉपिक है अग्रिम मांग खाता कॉल इन एडवांस। यानी कि अगर जब जो बकाया राशि है प्रीमियम की राशि एडवांस में मांग ली जाती है, प्रीमियम राशि को एडवांस में मांग लेते हैं, तो कभी कभी कुछ अंशधारी कंपनी के अंशों पर प्राप्त राशि का कुछ भुगतान या समस्त भुगतान मांग से पूर्व ही कर देते हैं, तो अंशधारियों से प्राप्त इस राशि को अग्रिम मांग राशि यानी कि कॉल इन एडवांस कहा जाता है। अग्रिम मांग राशि एक कंपनी के लिए देय धन यानी कि लायबिलिटी है, क्योंकि ये एडवांस में इन्होंने डेट से पहले ही लिया है तो ये एक लायबिलिटी हो जाएगी और इसे अग्रिम मांग खाते में जमा किया जाएगा कॉल इन एडवांस अकाउंट। प्राप्त राशि को मांग राशि के देय होने की तिथि के साथ ही समायोजित किया जाएगा। फिर कंपनी अधिनियम में अग्रिम मांग के संबंध में ब्याज की राशि पर 12% की दर से ज्यादा का प्रावधान नहीं दर्शाती, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि इस पर जो ब्याज दिया जाएगा कॉल इन एडवांस वाली मनी पर, जिस मनी को कॉल इन एडवांस किया गया है, अग्रिम मांग की गई है जिस पैसे की, उसको उस पर ब्याज राशि 12% से अधिक नहीं हो सकती। अग्रिम मांग खाते का शेष कंपनी के तुलन पत्र में उपशीर्ष अन्य चालू दायित्व जो शीर्ष चालू दायित्व के अंतर्गत शीर्षक समता एवं देयताओं में दर्शाया जाता है लेकिन चुकता पूंजी की राशि में नहीं जोड़ा जाएगा। जैसा कि अग्रिम मांग एक कंपनी के लिए दायित्व है, यह कंपनी का कर्तव्य है कि इस प्रकार की राशि की प्राप्ति पर प्राप्ति की तिथि से वास्तविक देय तिथि तक ब्याज का भुगतान करें। सामान्यतः अग्रिम मांग खाते पर देय ब्याज की दर का उल्लेख किसी भी कंपनी के पार्षद अंतरनियम में किया जाता है। फिर है अधि अभिदान। ये सारी ही डेफिनेशंस, इन डेफिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन स्टेटमेंट वाइज, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में जिनको स्टेटमेंट की फॉर्म में देकर पूछा जा सकता है। अधि अभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कुछ परिस्थितियों में जब कंपनी को जनता में निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो जाते हैं जो कि अक्सर कंपनी की मजबूत सुदृढ़ वित्तीय स्थिति एवं अच्छे प्रबंध के कारण होता है, ये अधि अभिदान कहलाता है। यानी कि 100 रुपये का शेयर वैल्यू को 120 रुपये में बेचा गया, यानी कि ये ज़्यादा रुपए में कौन क्यों खरीदेगा, इंसान तभी खरीदेगा जब उसको पता है कि किसी व्यक्ति को कि जिस कंपनी के वो शेयर खरीद रहा है ये इसकी जो गुडविल है बहुत अच्छी है, इसकी एक अच्छी गुडविल है और ये फ्यूचर में ग्रोथ करेगी। इस प्रकार की स्थिति में संचालकों के पास इसके व्यवहार के 3 विकल्प मौजूद होते हैं। पहला, कुछ आवेदनों को पूर्ण रूप से स्वीकार करके तथा शेष को पूर्ण रूप से मना कर दिया जाता है, दे कैन एक्सेप्ट
सम एप्लीकेशंस इन फुल एंड टोटली रिजेक्ट द अदर्स। दूसरी कंडीशन ये होती है कि या तो सभी आवेदकों के अंशों का आवंटन अनुपातिक या समानुपात में किया जा सकता है, दे कैन मेक ए प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल। और तीसरी कंडीशन है उपरोक्त तो दोनों विधियों को संयुक्त रूप से लागू करके, यानी कि दे कैन अडॉप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द अबाउट टू अल्टरनेटिव्स, जो कि व्यवहार में सबसे सामान्य विधि है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन किस केस में होता है, या जब कंपनी की अच्छी गुडविल है, कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ का ट्रेंड दर्शा रही है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के पास कंपनी जितने शेयर इशू करती है मार्केट में उससे ज्यादा का एप्लीकेशन आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो इन तीन विधियों के द्वारा ही इन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है। तो अधि अभिदान यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन की समस्याओं का अंततः समाधान अंशों के आवंटन द्वारा किया जाता है, यानी कि शेयर्स को अलॉटमेंट के द्वारा। अतः लेखांकन के दृष्टिकोण से अधि अभिदान की स्थिति को आवेदन और आवंटन के संपूर्ण ढांचे के अंदर रखा जाता है, अर्थात आवेदन राशि की प्राप्त, आवंटन पर देत राशि और अंशधारकों से प्राप्त राशि तथा ये प्रविष्टियों के प्रतिरूप से प्रतिबिंबित है। तो ये हमारा जो पहला चैप्टर है ये अकाउंट्स का 12th क्लास का, ये पूरा इसी पर बेस्ड है कि कोई भी कंपनी अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कैपिटल को किस तरह से इकट्ठा करती है, पूंजी को किस तरह से इकट्ठा करती है। अब जैसे कि हमने बताया था कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन की जो तीन केस हैं, इसमें से एक एक करके तीनों केसों को देखते हैं। पहली स्थिति क्या है, पहला जब संचालक कुछ आवेदन को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं तथा अन्य को पूर्ण रूप से रद्द कर देते हैं, यानी कि रिजेक्ट कर देते हैं, तो रद्द आवेदन से प्राप्त राशि को पूर्ण रूप से लौटा दिया जाता है, यानी कि जिनके एप्लीकेशन कैंसिल किए गए हैं उनके पूरे पैसे को लौटा दिया जाएगा। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने 20,000 अंशों के लिए आमंत्रण किया, यानी कि इन्विटेशन डाला, और 25,000 अंशों के आवेदन प्राप्त हो गए। संचालकों ने 5,000 अंशों के लिए किए गए आवेदनों को बिल्कुल रद्द कर दिया, यानी कि कंप्लीटली उसे रिजेक्ट कर दिया, जो कि आवश्यक संख्या से अधिक थे, और आवेदन राशि को पूर्ण रूप से वापस कर दिया गया। एक कंडीशन तो ये होती है। अब दूसरी कंडीशन होती है, दूसरा विकल्प क्या होता है कंपनी के पास, जब संचालक सभी आवेदकों को आनुपातिक आवंटन करते हैं, यानी कि प्रोराटा अलॉटमेंट, आवेदन से अधिक प्राप्त अधिक राशि की प्राप्ति सामान्यता देय आवंटन राशि के साथ समायोजित कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में यद्यपि अंशों पर देय आवंटन राशि से अधिक राशि की प्राप्ति को या तो वापस कर दिया जाएगा या अग्रिम मांग में जमा कर दिया जाएगा, यानी कि कॉल इन एडवांस कर दिया जाएगा उन्हें। उदाहरण के लिए 20,000 अंशों के लिए आमंत्रण किए और 25,000 अंशों के आवेदन की स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि आवेदकों को अंशों का आवंटन 4:5 के अनुपात में किया जाए। अब यह प्रोराटा आवंटन की स्थिति कहलाती है, और 5,000 अंशों पर प्राप्त अधिक राशि को 20,000 अंशों पर दे आवंटन की राशि के साथ समायोजित किया जाएगा। इसको रेशो में बांटकर ये डिवाइड कर देते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि जब कुछ अंशों पर किए गए आवेदन को रद्द कर दिया जाता है और शेष अंशों के लिए आनुपातिक आवंटन किया जाता है, यानी कि पहली और दूसरी दोनों कंडीशन को मर्ज कर दिया जाता है जिसमें, तो रद्द किए गए आवेदनों की पूर्ण राशि को प्राप्त होने पर जिन आवेदकों को आनुपातिक आवंटन किया गया है उनको आवंटन राशि दे होने के साथ समायोजित किया जाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी 10,000 अंशों के आवेदन के लिए आमंत्रण देती है और 15,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए, तो संचालकों ने 2,500 अंशों के लिए आवेदन को रद्द कर दिया, यानी कि जो एक्स्ट्रा 5,000 हैं उसमें से 2,500 को तो रद्द कर दिया, और बचे हुए और शेष यानी कि 12,500, यानी कि टोटल कितने हो गए 10, और जो बचे हुए 2,500 हैं 12,500 अंशों के आवेदकों को 10,000 अंशों का आनुपातिक आवंटन किया गया, यानी कि उनको रेशो में बांट कर दिया गया। इस प्रकार प्रत्येक 5 अंशों के लिए, यानी कि प्रत्येक 5 अंशों के लिए 4 अंशों का आवंटन किया गया, 4 अंशों का आवंटन किया गया प्रत्येक 5 अंशों के आवेदन के लिए, यानी कि हर 5 एप्लीकेशंस के लिए 4 शेयर्स डिवाइड बांटे गए। इस स्थिति में 2,500 अंशों के लिए आवेदन को रद्द किया गया, जैसे कि हमने देखा था 2,500 को रद्द कर दिया गया और प्राप्त राशि को पूर्ण रूप से लौटा दिया गया, यानी कि जो 2,500 जिनके एप्लीकेशन रद्द किए गए थे उनके पैसे को कंप्लीटली रिफंड कर दिया गया, और शेष बचे 2,500 अंश को 10,000 अंशों के लिए दे आवंटन राशि के साथ समायोजित किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 10,000, अगर इसका रेशो निकालेंगे 12,500, क्योंकि 10,000 शेयर हैं और 12,500 एप्लीकेशन है, तो ये रेशो आ जाएगा आपका 4:5 का, 4:5 का रेशो आ जाएगा। तो इसको 4:5 के अनुपात में वो डिवाइड कर देते हैं। अगला है हमारा टॉपिक, इसमें अंशों का न्यून अभिदान अंडर सब्सक्रिप्शन। न्यून अभिदान एक ऐसी स्थिति है जब अभिदान के लिए आमंत्रित किए गए अंशों से कम अंशों पर आवेदन प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने जनता में अभिदान के लिए 200,000 अंशों का आमंत्रण दिया लेकिन 1,90,000 अंशों के लिए ही आवेदन प्राप्त हुए, तो इस परिस्थिति में केवल 1,90,000 अंशों के लिए आवंटन निश्चित किया जाएगा और सभी प्रविष्टियां इसके अनुसार की जाएंगी। यद्यपि यह निश्चित कर लेना आवश्यक है कि कंपनी ने कम से कम अभिदान प्राप्त कर लिए हैं। फिर इसमें अंशों को अधिमूल्य पर निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, वित्तीय रूप से सुदृढ़
और अच्छे प्रबंधकीय नियंत्रण वाली कंपनियों के लिए यह सामान्य है कि वो अपने अंशों को प्रीमियम पर निर्गमन करें, यानी कि प्रीमियम पर इशू करें। यानी कि जिनकी स्थिति अच्छी है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है, ऐसी कंपनीज अपने शेयर्स को प्रीमियम पर यानी कि अधि ओवर सब्सक्रिप्शन पर जारी करती हैं, अधिमूल्यन पर, अंशों के समता मूल्य से अधिक मूल्य पर, यानी कि इसका शेयर वैल्यू जो है 100 रुपये, इससे अधिक मूल्य पर इसको जारी करती हैं। जब 100 रुपये की राशि को के अंश को 105 रुपये पर निर्गमित किया जाता है, यानी कि इशू किया जाता है, तो यह 5% प्रीमियम पर निर्गमित मूल्य कहलाता है, निर्गमित कहलाता है। यानी कि 105 जो है वो 100 रुपये का, यहाँ कितना इसमें एक्स्ट्रा कितना है, 5%। जब अंशों का अधिलाभ पर निर्गमन किया जाता है तो तकनीकी रूप से अधिलाभ की राशि को निर्गमन के किसी भी समय मांगा जा सकता है, यानी कि अधिलाभ सरप्लस पर या सरप्लस पर जो निर्गमन किया जाता है, तो सरप्लस की जो राशि है उसको कभी भी मांगा जा सकता है। यद्यपि सामान्यतः अधिलाभ की राशि को आवंटन के समय मांगा जा सकता है, यानी कि अलॉटमेंट के समय ही मांग लिया जाता है, लेकिन कभी कभी मांग पर भी मांगा जा सकता है। कॉल ऑन एरियर्स, यानी कि कॉल ऑन एरियर्स भी मांगा जा सकता है। यानी कि जैसे 100 रुपये का शेयर था और इसको 120 रुपये में इशू किया गया, तो 120 रुपये एक साथ मांगे जा सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि 120 रुपये को एक साथ मांग लिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा जो 20 रुपये की अमाउंट है इसको कॉल ऑन एरियर्स भी मांगा जा सकता है, यानी कि बाद में भी मांगा जा सकता है। फिर अगला, इसमें अधिलाभ राशि को एक अलग खाते में, जो कि प्रतिभूति अधिलाभ खाता सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कहलाता है, इसमें जमा किया जाएगा और कंपनी की स्थिति विवरण में समता एवं दायित्व इक्विटी एंड लायबिलिटीज शीर्षक के अंतर्गत आरक्षित और अधिकीय रिजर्व एंड सरप्लस मध्य शीर्ष में दर्शाया जाएगा। अधिमूल्य का प्रयोग निम्न 5 उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन का जो प्रयोग है उन निम्न 5 उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसमें कौन कौन से हैं? पहला है पूर्ण भुगतान बोनस अंश के निर्गमन पर, जो कि इस संदर्भ में जारी ना की गई अंश पूंजी से ज्यादा ना हो। टू, इशू फुली पेड बोनस शेयर टू द एक्सटेंट नॉट एक्सीडिंग अनइश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। दूसरी कंडीशन है कंपनी के प्रारंभिक व्ययों का अभिलेखन, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। तीसरी कंडीशन है इसमें कंपनी के व्ययों को अपलिखित करना या कंपनी का भुगतान या प्रतिभूतियों पर बट्टा प्रदान करना या बट्टे को अपलिखित करना, टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। चौथी कंडीशन है अधिमानी अंशों के मोचन पर अधिमूल्य का भुगतान और कंपनी के ऋण पत्रों के मोचन पर अधिमूल्य का भुगतान करना, टू पे प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंसेस शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। और लास्ट इसमें होता है उद्देश्य स्वयं के अंशों का क्रय अर्थात अंशों का पुनः विक्रय, परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और बाईबैक, जिसे बाईबैक कहते हैं अकाउंट्स की परिभाषा में या शेयर मार्केट की परिभाषा में बाईबैक ऑफ द शेयर्स। अंशों का बट्टे पर निर्गमन, इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। ये सारी ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको डेफिनेशंस बहुत अच्छे से याद करनी है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब कंपनी को के अंशों का बट्टे पर निर्गमन किया जाता है, यानी कि डिस्काउंट पर। अब जैसे कि मान लीजिए कोई 100 रुपये का शेयर है, इसको इस पर अंकित मूल्य तो 100 रुपये है, लेकिन ये पब्लिक को इशू किया गया, पब्लिक से डिमांड किया गया कि आपको 95 रुपये में ये दिया जा रहा है, तो ये 5 रुपये जो कम लिए जा रहे हैं ये इनका डिस्काउंट मूल्य है। और ये जब पब्लिक इसको बेचेगी, कंपनी इसे दोबारा खरीदेगी, बाई बैक करेगी, तो ये 95 की जगह 100 रुपये पर ही करेगी। जैसा कि नाममात्र या अंशों के समता मूल्य से कम की राशि पर या नाममात्र कीमत और निर्गमित कीमत के मध्य अंतर अंशों के बट्टे की राशि को दर्शाता है। उदाहरण के लिए जब 100 रुपये की कीमत का कोई अंश 98 रुपये में जारी किया जाता है, तो ये अंशों का 2% बट्टे पर निर्गमन कहलाएगा, यानी कि 2% डिस्काउंट पर ये कहलाएगा। एक सामान्य नियम के अनुसार एक कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती, यानी कि डिस्काउंट पर नहीं बेच सकती। ऐसा केवल हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन यानी कि रीइश्यू करने पर, रीइश्यू यानी कि हरण किए गए अंश जो होते हैं फॉर फ्यूचर और स्टेट इक्विटी अंशों के निर्गमन कर सकती है। अगली इसमें डेफिनेशन है रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल में अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जहां कंपनी उन विक्रेताओं जिनसे उसने परिसंपत्तियां क्रय की हैं के साथ समझौता करती है, तो भुगतान के रूप में कंपनी के पूर्ण प्रदत्त अंश लेने के लिए सहमत होते हैं। सामान्यतः इन अंशों के निर्गमन के लिए किसी प्रकार का रोकड़ नहीं लिया जाता। इन अंशों को सममूल्य पर, अधिलाभ पर या बट्टे पर भी निर्गमित मूल्य जिस पर ये निर्गमित किए जाएंगे और विक्रेताओं को दिए राशि पर निर्भर करती है। इसलिए विक्रेताओं को निर्गमित अंशों की संख्या की गणना इस प्रकार की जाएगी, निर्गमन किए गए अंशों की संख्या बराबर दे राशि बटे निर्गमन मूल्य। अब यहाँ आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक कंपनी ने मान लीजिए आपसे कोई आपकी लैंड खरीदी, कोई जमीन खरीदी आपकी जिसकी कीमत थी 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये जिसकी कीमत थी, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मान लेते हैं 1 लाख रुपये इसकी कीमत थी। अब
ये कंपनी आपको पैसे ना देकर आपसे कहती है कि आप हमारे शेयर परचेज कर लीजिए, जिससे आपका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, जबकि बल्कि 1,00,000 रुपए के आपको शेयर दे दिए जाएंगे। तो इसकी शेयर अगर मान लीजिए एक शेयर 1,000 रुपए का था, तो इसने आपको 100 शेयर दे दिए। अब 100 शेयर आपको जो दिए हैं, ये 100 शेयर इसको एक जो इसकी कीमत थी 1,000 रुपये जो कीमत थी, या तो इस पर भी दे सकती है या आपको डिस्काउंट पर भी दे सकती है। 1,000 रुपये का एक शेयर आपको 900 रुपये में दे सकती है, या 1,000 रुपये का एक शेयर आपको 1,100 रुपये में भी दे सकती है। ये कोई भी कंडीशन के थ्रू आप पे लागू कर सकती है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है या उस प्रॉपर्टी मालिक पर जिसने अपनी संपत्ति इस कंपनी के हाथों बेची है। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल लिमिटेड ने होंडा लिमिटेड से 5,40,000 रुपये में भवन का क्रय किया और इसका भुगतान 100 रुपये प्रत्येक के अंशों को निर्गमित करके किया जाएगा। विभिन्न स्थितियों में निर्गमन किए गए अंशों की संख्या निम्न प्रकार से ज्ञात होगी, यानी कि अंशों को सम मूल्य पर निर्गमित किया गया है। अगर जितने का शेयर है उतने ही मूल्य पर इनको होंडा लिमिटेड को दिया गया है, तो क्या हुआ होगा, 5,40,000 की जो राशि है, 5,40,000 की जो राशि है उसको 100 रुपये से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो इसको 5,400 रुपये यानी कि 5,400 शेयर इसको मिल जाएंगे, 5,400 शेयर का मिल जाएंगे। और अगर इसको अधिमूल्य पर 20% के अधिमूल्य पर निर्गमित किया गया है, यानी कि 100 की जगह 120 रुपये पर निर्गमित किया गया है, तो वही 5,40,000 रुपये जो हैं उससे इसको कितने शेयर मिलेंगे, 4,500 शेयर होंडा लिमिटेड को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब अंशों का हरण यानी कि फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, अंशों की जब्ती। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अंश धारक एक या अधिक किश्तों अर्थात आवंटन राशि या मांग राशि का भुगतान करने में असफल रहे। इस परिस्थिति में कंपनी अंतर नियमों में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार इन अंशों का हरण जैसा कि आवंटन को रद्द करके और प्राप्त राशि को जब्त करके कर सकती है। अधिमूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इशू डेटा प्रीमियम। जब अंशों को अधिलाभ पर निर्गमित किया जाता है, यानी कि प्रीमियम पर, एक्स्ट्रा पैसे पर, और अधिलाभ राशि की पूर्ण रूप से वसूली कर ली जाती है, तथा बाद में कुछ अंशों की मांगी गई राशि के भुगतान ना होने के कारण हरण कर लिया जाता है, यानी कि उनको जब्त कर लिया जाता है, तो जब्त अंशों का लेखांकन व्यवहार सम मूल्यों पर निर्गमित अंशों की तरह होगा। यानी कि जिन अंशों को जब्त किया जाएगा उनको प्रीमियम वैल्यू पर नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है, इक्विटी वैल्यू, यानी कि 100 रुपये पर ही उनको लेखांकन ट्रीटमेंट में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लिखा जाएगा। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि अंश अधिलाभ खाते को हरण के समय नाम नहीं किया जाएगा, यदि हरण किए गए अंशों के संबंध में अधिलाभ को प्राप्त कर लिया गया है। फिर इसी तरह इस स्थिति में यदि अधिलाभ राशि को आंशिक रूप या पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया गया है, तो हरण किए गए अंशों की के संबंध में अंश प्रीमियम आरक्षित खाते को भी अप्राप्त अधिलाभ राशि और अंश पूंजी खाते को अंशों के हरण के समय नाम किया जाएगा। आमतौर पर यह स्थिति आवंटन के समय देय राशि को के प्राप्त ना होने पर उत्पन्न होती है। फिर है अंश हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन, री इशू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर्स। अब संचालक हरण किए गए अंशों को रद्द या पुनर्निर्गमित कर सकते हैं, या तो उन्हें कैंसिल कर सकते हैं या फिर उन्हें री इशू कर सकते हैं। अधिकतर स्थितियों में हालांकि वो विशिष्ट अंशों को जो कि सम मूल्य, अधिलाभ या प्रीमियम या बट्टे पर पुनर्निर्गमित कर सकते हैं। सामान्यतः हरण किए गए अंशों का निर्गम पूर्ण भुगतान प्राप्त या बट्टे पर किया जाता है, यानी कि उनको सम मूल्य पर ही दिया जाएगा, यानी कि ज्यादा 100 रुपये वैल्यू है तो 100 रुपये ही दिया जाएगा, या फिर इनको डिस्काउंट वैल्यू पर, जैसे कि 100 रुपये की जगह 95 पर इनको इशू कर दिया जाएगा अधिकतर केसेस में। अब इस संदर्भ में यह स्मरणीय है कि बट्टे का की राशि हरण किए गए अंशों की वास्तविक प्राप्त राशि से अधिक नहीं होगी, यानी कि अब जो बट्टे की राशि है इसको मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दिया जा सकता है। ऐसे शेयर्स को जिनकी जब्ती की गई है, हरण किया गया है, ऐसे शेयर्स को जब री इशू करेगी कंपनी, तो उन पर डिस्काउंट इतना ही देगी जितनी की राशि की उसने जब्ती कर ली है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। निर्गमन पर प्रदान बट्टे को अंश हरण खाते में नाम किया जाएगा, और यदि पुनः निर्गमित अंशों से संबंधित अंश हरण खाते में कोई शेष हो, तो इसे पूंजीगत लाभ माना जाएगा और इसे पूंजी आरक्षित खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पूंजीगत लाभ केवल हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर ही उत्पन्न होता है, यानी कि जो फोर फीचर यानी कि जब्त किए गए या हरण किए गए अंश हैं शेयर्स हैं, जब इनको री इशू किया जाता है मार्केट में, तो इसी केस में ही केवल पूंजीगत लाभ उत्पन्न होता है, यानी कि कैपिटल प्रॉफिट उत्पन्न होता है। इसलिए जब हरण किए गए अंशों को का कोई भाग पुनः निर्गमित किया जाता है, यानी कि री इशू किया जाता है, तो अंश हरण खाते की संपूर्ण राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की स्थिति में हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन से संबंधित अनुपातिक शेष को पूंजी आरक्षित खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, यानी कि जो डिफरेंस है फोर फ्यूचर जो शेयर्स हैं उसका और री इशू किए गए शेयर्स का जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को ही केवल कैपिटल प्रॉफिट में उसको ट्रांसफर किया जाएगा। अब यहाँ कुछ डेफिनेशन है अंशों का पुनः विक्रय, बाई बैक ऑफ शेयर्स।
जब कंपनी अपने अंशों का क्रय करती है तो ये अंशों का पुनः क्रय कहलाता है, यानी कि एक बार उसने इशू कर दिया मार्केट में, उसके बाद जब ये पब्लिक से यानी कि शेयर होल्डर से वापस रीपरचेस करती है यानी कि बाईबैक करती है। तो कंपनी अधिनियम की धारा 68 में ये कंपनी को सुविधा है कि कंपनी अंशों को पूरा क्रय निम्न में से किसी प्रकार भी कर सकती है। पहली कंडीशन इसमें आनुपातिक आधार पर वर्तमान समता अंशधारकों से एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। दूसरा खुले बाजार से यानी कि ओपन मार्केट में भी वो बिड कर सकती है ओपन मार्केट्स में। तीसरा न्यून खेप अंशधारकों द्वारा और लोड स्टेक होल्डर्स। और चौथा है इसमें कंपनी के कर्मचारियों से एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब कंपनी अपने अंशों का पुनः क्रय मुक्त आरक्षित प्रीमियम या अधिमूल्य यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन या अंशों की ना या अन्य निर्धारित प्रतिभूतियों से प्राप्त धनराशि में से कर सकती है। मुक्त आरक्षित में से अंशों का पुनः क्रय करने की स्थिति में कंपनी को क्रय किए गए अंशों के वास्तविक मूल्य की राशि के बराबर राशि पूंजी शोधन आरक्षित खाते कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित करनी होगी। और इसमें लास्ट डेफिनेशन है हमारी, अंशों को पुनः क्रय करने के संबंध में निम्न प्रक्रिया लागू होगी। पहला, अंशों को पुनः क्रय अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होना चाहिए यानी कि जो सेबी के नियम हैं उन्हीं के अनुसार होना चाहिए। दूसरा, अंशधारकों की सामान्य सभा में विशेष संकल्प द्वारा पारित किया जाना चाहिए यानी कि जो अंशधारक हैं शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो जनरल मीटिंग होगी उसके द्वारा पारित होना चाहिए। तीसरा, किसी भी एक वित्तीय वर्ष में अंशों का पुनः क्रय प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित के 25% से अधिक नहीं हो सकती यानी कि जितने भी शेयर हैं उससे 25% से ज़्यादा नहीं होगी। अंशों के पुनः क्रय के पश्चात ऋण समता अनुपात डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन, इसमें अंशों के पुनः क्रय हेतु समस्त अंश पूर्णता प्रदत्त होने चाहिए। छठा, विशेष संकल्प पारित होने की तिथि से 12 माह की अवधि के भीतर अंशों का पुनः क्रय हो जाना चाहिए। और लास्ट, इसमें कंपनी को रजिस्ट्रार और सेबी के पास शोधन समता अधिघोषणा जिसमें कम से कम दो निदेशकों ने हस्ताक्षर किए हों भेजी जानी चाहिए यानी कि अगर उसे बाईबैक करने हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कम दो डायरेक्टर्स द्वारा उसको सिग्नेचर होना चाहिए और उसके बाद सेबी को भेजा जाना चाहिए या फिर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास भेजा जाना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगला लेक्चर हमारा चैप्टर 2 हम पूरा कवर करेंगे एक ही लेक्चर में, उसके बाद चैप्टर 3 भी हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। तो और साथ ही हम आपको एक कंबाइंड वीडियो प्रोवाइड करेंगे लेक्चर 19 से लेक्चर 31 तक अकाउंट्स की, जिसमें आप एक ही वीडियो में रिविजन कर सकेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।